सो हेलो गाइस, वेलकम टू वीवीसीआर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से लीक हुए उसके पोस्ट क्रेडिट एंड एंड क्रेडिट सीन के बारे में। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हाल ही में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का प्रीमियर हुआ है, जिससे इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट एंड एंड क्रेडिट सीन लीक हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पीटर क्विल अर्थ पर वापस आता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर अब उसने गार्डियंस की टीम को अलविदा कह दिया है और अब वो अर्थ पर ही अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने वाला है। और तो अब वो गमोरा से भी मूव ऑन कर चुका है, और तो गमोरा भी गार्डियंस की टीम को छोड़ देगी और यही चीज हमें इसके पोस्ट के सीन में दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके एंड के सीन के बारे में। तो इसके एंड के सीन में हमें रॉकेट रकून एक न्यू टीम फॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। या इस मूवी में किसी भी गार्डियन फैमिली की डेथ नहीं होने वाली, बल्कि कुछ गार्डियंस वाले मेंबर्स इस मूवी से रिटायरमेंट ले लेंगे। तो हमें इसके एंड में रॉकेट रकून एनहालेटर नाम से एक न्यू टीम फॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। और तो जो लोग नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि इसी नाम से एक टीम कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करती है, जिसके मेंबर नोवा, बेटा रेबिल और तो सिल्वर सर्पर जैसे कैरेक्टर रह चुके हैं। एंड मे बी फ्यूचर में ये सभी कैरेक्टर इस टीम के मेंबर हो सकते हैं। तो ये था इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट एंड एंड के सीन, जो कि हाल ही में लीक हुआ था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।